हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, ये देख ही रहे जैसे कि व्हाट्सएप में कुछ रिक्वेस्ट आया है और उसका जैसे कि जो कुछ थोड़ा सा मेजरमेंट चाहते हैं उन लोगों के लिए, तो इसे ही हम लिख के दे देंगे। और ये फ्रेंड जो वीडियो होगा आप लोगों को जैसे कि व्हाट्सएप रिक्वेस्ट करके इसका हेडिंग करके रहेगा, किसी नाम से ये नहीं होगा क्योंकि जैसे कि इसको देखकर सभी को कुछ ना कुछ तो पता चले, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे जितना इसी तरह मेजरमेंट आया है यानी कि हमें कन्वर्ट करना है तो सभी को मैंने एक साथ वीडियो बना के दे रहा हूँ। और जो हमारा फ्रेंड्स है जिन लोगों ने शायद हमारा व्हाट्सएप में मैसेज दी, तो आप लोगों को ये जरूर देखना है आखिर तक इस वीडियो में, ताकि हमने एक एक करके सभी को रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जिसका जैसे कि कुछ ऐसा है जिसका ड्राफ्टिंग पैटर्न स्टिचिंग है वो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो, जैसे हमारा नाम होता है वीडियो का उसी तरह रहेगा। और ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो रहेगा और इसलिए जैसे कि हमारा चैनल में एक फैशन डिजाइन रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्राइबर व्यूअर्स करके एक शायद कैटेगोरी है उसके अंदर ये रहेगा, ठीक है। तो दिखाने से पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा चैनल को हर रोज विजिट करते हैं और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो फ्रेंड आप हमारा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को जिस तरीके से जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल पर शो करेगा हमारा वीडियो, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बता दूं फ्रेंड, अब हमारा जो नया चैनल है जो लाइव माइंड गेम है उसमें भी जाए, उसमें भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या है रिक्वेस्ट में। तो फ्रेंड ये देखिए, ये एक मेजरमेंट है जिन्होंने दिया है, शायद उनको भी ये पता चल जाएगा। जैसे कि उनका नाम है सीमा मन्ना, ठीक है। तो सीमा मन्ना का ये मेज़रमेंट उन्होंने कॉन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो मैं कॉन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ अभी। हाय, दिस इज सीमा मन्ना, दिस इज अबाउट पिक्चर इज माय मेज़रमेंट, प्लीज़ कॉन्वर्ट इन टू पैटर्न एज यू टोल्ड मी टू सेंड इट सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए इसका मैं कॉन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से, और ये देखकर सीमा मन्ना उनको पता चल जाएगा। और मैं सभी को लिए बोल रहा हूँ जो लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, अभी तक जितना लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजा था, तो सभी का इस वीडियो में एक ही वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि ये सीमा मन्ना का ये मेजरमेंट है, तो इसे हमें कैसे कॉन्वर्ट करना है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और कुछ दिखा रहा हूँ। मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा इस जगह में मेजरमेंट से लेकर कुछ डिस्कस करूँगा। और जैसे कि मैंने जो रिक्वेस्ट वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए जिन लोगों को इसी तरह रिक्वेस्ट है तो शायद ये वीडियो देखकर उन लोगों को प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले फूल लें। तो ये देखिए, मैंने एक बैग पट लिया है, तो इसी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए, तो फुल लेंथ हमारा 13.5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो ये देखिए, ये सारे साथ चलिए ये हमारा पैटर्न से वो मिल गया है। तो ये देखिए 13.5 करना है क्या, देखिए ये देखिए, मैं कैमरा को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 13.5, ये देखिए थोड़ा सा इधर बाहर है और ऊपर देखिए कैसे मैंने टेप को पकड़ा है। ये देखिए इस जगह देखिए कितना छोड़ दिया है मैंने, देखिए इस जगह को कैमरा को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस जगह का मेजरमेंट देखिए, ये देखिए इस जगह का मेजरमेंट देखिए, ठीक है। तो ये देखिए इस जगह को मैंने छोड़ दिया है, इस जगह को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो सीमा मन्ना जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है उनका मेजरमेंट सिर्फ कॉन्वर्ट दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है। तो फुल लेंथ क्या लेना है, इधर हाफ पीस उधर हाफ पीस से थोड़ा सा कम लेना है,
यानी कि 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम लेना है। तो 13 प्लस ये देखिए कितना आता है, देखिए 13 प्लस 13 ठीक है। तो हमें इधर करना है क्या, इसमें मैंने करेंगे ठीक है। तो फुल लेंथ हमें कितना करेंगे, 14 प्लस 0.25 यानी कि 0.75 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, दोनों तरफ से हम ले लेंगे ठीक है। इधर भी हाफ पॉइंट, ये देखिए अपने टेप से देखिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए इस जगह का देखिए, ये हमारा हाफ इंच है और ये हमारा हाफ से कम यानी कि क्वार्टर, और हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हम ले लेंगे ठीक है। तो दोनों मिलाकर 0.75 एक्स्ट्रा होता है और दोनों तरफ से हाफ इंच, ये हम कहने के लिए सभी को बोलते हैं सिखाने के लिए, ताकि सीखने जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों को आसानी होता है ठीक है। तो क्रॉस पॉइंट में 14.25 होता है और क्रॉस पॉइंट ये देखिए, क्रॉस पॉइंट ये 10 इंच होता है, 10 इंच है। तो इसमें हमें अभी तक उसका नहीं चाहिए हमें, तो फिलहाल हमें शोल्डर चाहिए, शोल्डर बाय फॉर्मूला। तो सीमा जी आपने जिस तरीका से दिया है तो शोल्डर का एक मेज़रमेंट देना चाहिए ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से अगर हाई वास्ट हो तो 39 प्लस हाफ इंच है तो ये 36, और नॉर्मल बस्ट का मेज़रमेंट आपने नहीं दिया है ठीक है। तो नॉर्मल बस्ट का एक मेज़रमेंट चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ताकि ये लग रहा है जैसे कि 32 का हाई बस्ट होता है 36, 34 का हाई बस्ट होता है 38 और 36 का 40 होता है। तो इसमें क्या है, इस जगह में 39.5 है ठीक है, 39.5 है। तो ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं इस जगह को ठीक है, ये देखिए 39.5 है। तो हमें कैसे पता चले, अगर नॉर्मल बस्ट हमें पता चल जाता तो हमें बता सकता है, हम बता सकते ताकि ये कौन सा साइज हमें देना है। तो फिलहाल मेरे आइडिया से मैं गेस कर रहा हूँ ये 36 साइज से करने से ठीक ठाक होगा ठीक है। अगर ये आपका हाई बस्ट है 39.5, अगर आपका नॉर्मल बस्ट 42-43 होता है तो भी हम 34 ले लेता ठीक है। 34 में 38 हाई बस्ट होता है, मगर ये 1.5 इंच बड़ा होता है। अगर नॉर्मल बस्ट थोड़ा सा कम है तो 34 में चलेगा, मगर ये जो साइज़ है अभी दिख रहा है हमें तो 36 साइज से पैटर्न करने से ये कम हो जाएगा ठीक है। और जो एलिट राउंड है तो इसे तो 33 होता है, और शोल्डर बाय फॉर्मूला, तो शोल्डर हमें लेना है 6 लेना है इसमें ठीक है। तो इसमें शोल्डर 6 लेना है ठीक है, यानी कि इस जगह से जो शोल्डर हम लोग लेते हैं या से मेजरमेंट जो शोल्डर लेते हैं ये हम 6 लेंगे, ये पैटर्न में ही 6 लेंगे ठीक है। जब हम पैटर्न कटिंग करेंगे तो आपको 6 लेना है, ये मैं दिखा रहा हूँ 6 इंच हमें शोल्डर लेना है ठीक है। और जैसे कि फ्रंट नेक होता है, फ्रंट नेक 7.5 दिया है उन्होंने, तो ये आपको एक चीज दिमाग में रखना है, अगर 7.5 उन्होंने दिया है तो किस तरीके से मेजरमेंट लिया माने लेकर हमें दिया है वो हमें सोचना है। जैसे कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो व्हाट्सएप में मैसेज आया है, ताकि नेक को हम किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं मैं। ये देखिए मैं हमारा मेजरमेंट से मैं दिखा रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से जो लोग हमारे चैनल को हर रोज विजिट कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि हमने बहुत बार दिखाया नेक में, जैसे कि नहीं तो आप ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला में जाइए, नहीं तो आप आर्म होल वाला जो फार्मूला मैंने दिखाया उसमें दिखाया, और बहुत सारा जैसे कि रिसेंटली एक कमिस का वीडियो दिखा उसमें भी मैंने नेक मेजरमेंट दिखा दिया। तो वो मेजरमेंट से आपको ये बहुत आसान है, हमें पता नहीं ये उन्होंने क्यों दिया है, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए नेक आप कहाँ से मेजरमेंट लिए हमें पता तो नहीं है, तो आप
इसी तरह स्टेट मेजरमेंट ले सकती है, उसके बाद हमारा अगर डेप्थ इधर हुआ तो यहाँ से हमें इस मेजरमेंट से पता चलेगा। तो हमें जब भी हम पैटर्न कटिंग करेंगे उस वक्त भी हम ये देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे। ये देखिए मैं इधर दिखा रहा हूँ कैमरा को, ये देखिए ठीक है। तो इसी तरह स्ट्रेट करके हम इसी तरह कर लेंगे ताकि हमें पता चले ये स्ट्रेट वाला। अगर हमने और जिस जगह से हमें मेजरमेंट लिया है फ्रेंड हमारा शोल्डर के बाद, तो ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ अपने बॉडी से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा नेक इधर से शोल्डर तक इतना सा जगह है। तो इस जगह से हम कहाँ से मेजरमेंट लिया है, हम मिडिल से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं ठीक है। तो हमें कहाँ से मेजरमेंट लिया है तो वो देखकर हमें पैटर्न में ही वो ही टेक्निक यूज़ करना है ठीक है। तो हमेशा अगर डीप नेक के लिए तो साइड से मेजरमेंट लेने से ही ठीक ठाक होगा, यानी कि जिस जगह में हमारा ऊपर का जो पुट होगा, ऊपर का इस हिस्से के ऊपर का जो पुट होता है वही से मेजरमेंट लेने से बेटर होगा। तो चलिए इसमें दिखाता हूँ मैं। तो अगर आपका मेजरमेंट फ्रंट नेक 7.5 हुआ है तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरीका से मेजरमेंट लिया है ठीक है। और ये टेप कहाँ पर रखा है ये मुझे मालूम नहीं है, तो फिर भी उन्होंने दिया है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक लेने के वक्त ऊपर छोड़ना है, पैटर्न कटिंग करने से वक्त ऊपर छोड़ना है, और अगर अपने नेक 7.5 जिस जगह में होगा आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है सिम्स के लिए ठीक है, हो जाएगा ये। और बैक नेक ये आप जो भी करें तो कोई बात नहीं है। स्लीव लेंथ 6, स्लीव राउंड 11, स्लीव राउंड 11.25 और आर्म होल 16। तो स्लीव राउंड का तो अलग से कोई मेजरमेंट नहीं होता है, स्लीव राउंड का हमारा आर्म होल का मेजरमेंट एक होता है। और जैसे कि आर्म होल का अगर 16 है तो हमारा एक एक तरफ 8 से थोड़ा सा कम, अगर बैक पार्ट इस पार्ट को 8 से थोड़ा सा कम करूँ तो इस जगह को दोनों पार्ट मिला के ठीक ठाक हो जाएगा ठीक है। तो वो कैसे लेना है, आपको शोल्डर लेना है 6 इंच मैंने बता दिया है। और इसमें फ्रेंड और दिखाने के लिए कुछ भी तो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से ठीक है। तो बैक पार्ट में हम कटिंग करना थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को। जैसे कि आपका बास्ट अगर 39.5 है तो उसका 1/4 कीजिए, 39 मैंने 40 पकड़ा तो 10 मैंने पकड़ा यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4 और आपने अगर डीप नेक करना चाहा तो 3.5 लेने से ही आपका काम हो जाएगा ठीक है। तो इसी तरह टेप को एकदम जगह में पकड़ा है ठीक है। तो वहाँ से आपको जितना मेजरमेंट आता है पहले आपको शोल्डर ठीक करना है। ये देखिए यहाँ से अगर मैंने शोल्डर पकड़ूँ तो 6 होता है, और उस वक्त वहाँ से अगर 40 होता है तो 1, 2, 3 और ये 3.5 है ठीक है। तो ये इतना बड़ा होता है इस जगह से, और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके इसको देना पड़ता है। और आप पहले इसे फाइनल नहीं करेंगे, आप देखेंगे इस तरह अगर ये करके आपका 8 हो रहा है तब आपको लेना है ये पॉइंट फिक्स करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे 3.5 से थोड़ा सा ऊपर आप कर देंगे इसे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ठीक है। आपको देखना है ठीक है, पहले फाइनल नहीं करना है। अगर लगे तो चलो ये घुमा के नहीं आ रहा है हमारा, तो तब आपको ये सब करना है ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देना है, थोड़ा सा नीचे लाना है, ये करना है। और इस जगह में जब हम करेंगे हमारा जो बस्ट हाई बस्ट जो हम इससे कटिंग करेंगे राउंड का, तो उसका क्या होता है सारे यानी कि 39.5 अपने उसको 4 भागा करने पड़ेगा, उसके बाद प्लस 1/2 इंच करना पड़ेगा। तो मैं आपको 40 से दिखा रहा हूँ, उसे मेजरमेंट दिखाने में करने में आसान होता है। तो 10 तो 10.5 आपको लेना है, और आप जो मेज़रमेंट लिया है तो आपका मेज़रमेंट से हिसाब से 9.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद आप यानी कि 10.25 शायद ऐसा होगा आपके।
तो आपको उसी तरह आपको ये लेना है, ठीक है। इस जगह में ये फिक्स्ड हो गया है। और उसके बाद हमारा वेस्ट जितना है, वेस्ट में कैसे क्या लेना है, और ये फ्रेंड में पैटर्न कटिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हमने उसमें से वेस्ट हमारा 32 है तो 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस हाफ इंच, और उसके बाद डार्ट के लिए लेना पड़ेगा, तो दोनों मिलाकर आप 1/4 वेस्ट प्लस 0.75 लेंगे तो इस जगह में आ जाएगा। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट मिला दीजिए, अब हो जाएगा। अब चलिए आइए, उसके बाद हमारा जो एस है, एस किस तरीके से कटिंग करते हैं आप लोग तो जानते हैं, तो मैं एस लेंथ जो है उसका मेजरमेंट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपने इसमें साढ़े ग्यारह लिखा, 11.5 इंच दिया है, तो ये देखिए कैसे मैंने टेप को पकड़ा है। ये देखिए ऊपर में छोड़कर मैंने, ये देखिए हाफ इंच नहीं, क्वार्टर भी नहीं है इसमें, जितना हमारे सीम्स में जाएगा उतना ही मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा रखा है, और इसमें इस जगह का आपका एस लेंथ होगा, ठीक है। इस जगह में ये मेन पॉइंट होगा, और उसके बाद इस जगह में आपको हाफ इंच बड़ा करना है, इसे इस जगह में हाफ इंच दे दीजिए। तो ये दोनों चीज़ आपको ठीक ठाक रखना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक ठाक होने के बाद हमने जैसे कि इस जगह को जैसे कि 32 में 5.5, 34 में 6 एंड 36 में मैंने जो एस जो ब्रेथ होता है वो 6.5 लेना है इस जगह में 6.5 लेना है, ठीक है। तो वो लेने के बाद क्या होगा, इस जगह का जो कार्ब होता है, इसका जो कार्ब होता है, इस कार्ब में आएगा आपको 9 लेना है, ठीक है। यहाँ पर लाइन 9 लेना है, देखिए किस तरीके से ये सब छोड़ कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। तो हमने इसमें हमारा 8 है, ठीक है, तो 32 साइज है तो इसलिए मैंने 8, 34 में 30, इसमें 8.5 है, और 36 में इसमें 9 होता है, ये सभी में एक ही रहता है। अगर आपके पास अगर पैटर्न ना हो तो आप इसी तरह हमारा जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसी से लेकर आप कर सकते हो, और ये 8.5 आप 9 रख लीजिए इस जगह में, ठीक है। आपका इस जगह का जो आर्म होल होगा, आर्म होल हम रेडीमेड के लिए 9 रखते हैं, मगर आपके हिसाब से इसमें 8 यानी कि 16 करना है हमें इस जगह में, तो आप जैसे मैंने बताया उसी तरह करना है। और उसके बाद जैसे कि इस जगह में आता है एलिट आता है, ठीक है, यानी कि एलिट लगाने की ये लोअर वेस्ट जिस जगह में होता है उस जगह में आपको ये करना है। और उसके बाद ये जो लेना है ये देखे, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल वेस्ट का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है तो नॉर्मल वेस्ट का मेजरमेंट शायद आपने दिया होता तो उसी तरह आपको इस जगह में हम 36 साइज के लिए हम लोग 9 लेते हैं इस जगह में, ठीक है। अगर हाँ नॉर्मल वेस्ट बड़ा होता तो इस जगह में हम 9 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, नॉर्मल वेस्ट जैसे कि सीमा मन्ना को समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। ये देखिए नॉर्मल वेस्ट का रिलेशन हम दिखा रहा है, इस जगह में हम जितना बड़ा लेंगे ये ऐसे करके फोल्ड आएगा, और उसके बाद यह इस जगह का रिमेनिंग का मेजरमेंट यानी कि यह में अगर 9 इंच होगा उसके बाद यह पर जितना होता है बड़ा, अगर होता है तो बड़ा बड़ा 24 होता है, और बैक में से इस जगह का जितना मेजरमेंट आता है ये देखिए हमारा इसी तरह मेजरमेंट इस जगह के बैक में आता है, तो दोनों मिलाकर नॉर्मल बस्ट हमेशा चोली कट में बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ठीक ठाक करना है। और आपको इस जगह का अगर पता नहीं है तो हमारा सीक्रेट फार्मूला में जाइए, उसमें मैंने दिया है 36 के लिए आपको क्या बनाना है इस जगह में, ठीक है। और ये भी सेम ठीक ठाक है जैसे कि इस जगह का और इस जगह का। तो और एक सीक्रेट में आप लोगों को बता दूँ इस वीडियो के साथ साथ ही, जैसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो इस पार्ट और इस पार्ट को क्या करना है, और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैंने फिगर से दिखा रहा हमारा, तो जैसे कि यहाँ से अगर मैंने मेजरमेंट लिया तो यहाँ से ये हमारा जो क्रॉस पॉइंट आता है इधर तक, तो ये हमारा ऊपर का जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट है और ऊपर का जो एस का पार्ट है, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है और
ये इधर का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट अगर दोनों मिलाकर आपको इधर 5 और इधर 5 अगर 10 हुआ है, इस जगह तक 10 क्रॉस पॉइंट 10 है, तो उसको दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर ऊपर पार्ट को 5 लेना चाहते हैं तो नीचे में भी 5 कीजिए, यानी कि इस जगह में 5 करना चाहते हैं आप लोग तो 5 कीजिए, और ये इस जगह में जो बाटी का जो हाइट होता है वो 5 कर दीजिए, तो क्रॉस पॉइंट बराबर बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ताकि ये सब छोटा छोटा जो मेजरमेंट है, तो इससे क्या होगा आपका फिटिंग्स का कोई इधर उधर नहीं होगा। हम लोग गले के लिए अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि कोई घुमा के लेता है, ये कस्टमर को पता नहीं चलता, मगर हम लोग ले लेते हैं, ताकि हम लोग जब पैटर्न कटिंग करें माल तैयार हो उस वक्त भी हमें पता चले, ताकि उसको कंधे से नहीं हिलेगा, ठीक है। और बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमारा फिटिंग्स बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं चलो सर हमारा ये कंधा से थोड़ा सा गिर जाता है। तो जो लोगों को गिर जाता है, तो आप लोग प्लीज़ हमारा सीक्रेट फार्मूला में जो कैटेगरी रखा है उसमें जाइए, और हमारा जो आर्म होल फिटिंग्स वाला एक कैटेगरी अलग से रखा है उसमें जाइए। उसमें जाकर आपको कुछ नॉलेज मैंने आप लोगों को सच शेयर किया है उस वीडियो में, तो आप वो देखिए, मेरे ख्याल से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैंने जो फार्मूला दिया है वो एकदम 100% वो फिटिंग्स होगा, ठीक है, जो सीक्रेट में बता रहा हूँ। और देखिए फिर से, तो इसके बारे में तो पता चल ही गया है। और डीप नेक के लिए फ्रेंड इस तरफ हम शेप देते हैं नॉर्मली। अगर किसी का कंधा अगर ठीक ठाक हो, उन लोगों के लिए कुछ भी कोई शेप नहीं देना है, नहीं इधर देना है नहीं इधर देना है, ठीक है, ये बराबर रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने दिया है और दिखाने की और समझाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, उन्हीं के मेजरमेंट से मैंने कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है इसमें मेरे ख्याल से। और एक बात मैं बता दूँ आपको, जैसे कि ये जो ब्लाउज है, आपने सारे ब्लाउज जैसे स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, उसी करने के बाद आप स्लीव लगाने से पहले आपको दोबारा मेजरमेंट लेना है, यानी कि अगर आपके एक ब्लाउज तैयार हो गया है तो उसके बाद आप मेजरमेंट लीजिए ब्लाउज का, यानी कि आपका जितना मेजरमेंट, यानी कि 39.5, तो 39.5 अगर शायद मानिए इस जगह में 39 का, यानी 20 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो आपको इसी तरह एक तरफ का मेजरमेंट लेना है। ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यानी कि ये बड़ा होगा पहली बार, क्योंकि हम लोग जब ऑर्डरी वाला काम करते हैं तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उसके लिए कम होता है, तो शायद इसी तरह आपके पास वो उस जगह में आएगा, ब्लाउज बाहर रहेगा, आपका मेजरमेंट थोड़ा सा कम रहेगा। मगर ये जो टेप को पकड़ना होता है, मैंने ऑर्डरी ब्लाउज में मैंने सिलाई करना दिखा दिया, स्लीव लगाने से पहले आपका मेजरमेंट जो है वो आपको ठीक ठाक करना है, आपको 20 से थोड़ा सा कम करना है, तो वो मार्क दीजिए उस जगह में। और उसके बाद जैसे आपने एलिट राउंड दिया है, जो हमारा लोअर वेस्ट है उस जगह का भी एक पॉइंट कीजिए इसी तरह, और वेस्ट दिया है उस जगह का भी पॉइंट कीजिए, और उसके बाद इस जगह तक मिलाने से पहले इस जगह का जो शेप देते हैं हम, ठीक है, शेप देते हैं, तो ये आपका अगर नॉर्मल बास्ट अगर यहाँ से मेजरमेंट लेकर इस जगह तक अगर लगे तो ठीक ठाक है, तो शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल शेप देने से इस जगह में काम हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल शेप देने से ही काम हो जाएगा, अदरवाइज ये देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और उसके बाद स्लीव लगा दीजिए, और स्लीव लगाने का तरीका जैसे कि ये टोटल स्टिच करने के बाद जैसे मैंने दिखा उसी तरह करना है, ऐसा नहीं है जी ये खुला रखकर इसी तरह लगा के इसी के साथ हम स्लीव लगाते, ऐसे नहीं करना, उसमें फिटिंग्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये शिमा मन्ना का रिक्वेस्ट मैंने दिखा दिया है, और ये वीडियो देखकर उनको पता ही चल जाएगा। तो चलिए हम दूसरा और किसकी रिक्वेस्ट है हम देखकर डिस्कस कर रहा हूँ।